हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का वीडियो हमारा हो जाना ओडिस्टा प्रो के ऊपर, जिसके अंदर आपको रील्स के अंदर एक टाइमर देखने को मिलेगा जो कि किसी वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ओडिस्टा प्रो के अंदर देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एकदम केयरफुली से वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको बताना होगा रियल टाइमर, तो सबसे पहले मैं आपको एक रील्स दिखा देता हूँ अपलोड करके, क्योंकि आपको वीडियो बिल्कुल ही फेक ना लगे। तो इस रील्स को मैं गाइस ऐड टू स्टोरी कर लेता हूँ आपके सामने, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस आप रील्स देख सकते हो, रील्स के ऊपर जो टाइमर ऐड किया वो विदाउट मैंने कोई एप्लीकेशन किया, किसी भी जी बॉक्स के यूज़ से नहीं किया, जो कि बिल्कुल ही ओडिस्टा के अंदर ही है। आपको बताने वाला हूँ कि ये किस टाइप से ऐड किया जाता है, वो ओडिस्टा के अंदर ही है गाइस, नो कोई एप्लीकेशन है। तो गाइस बताने से पहले सबसे पहले गाइस आपको चले जाना है मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको फाइल्स मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस उसको डाउनलोड करोगे तो आपके सामने आपको तीन फाइल्स मिलेगी, एक ओडिस्टा प्रो की और एक राउंड इंगेज की, एक फंट एंड इमोजी की। तीन फाइल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलने वाली है, तो आपको वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस सबको आपके अंदर जो भी ओडिस्टा इंस्टॉल है या जो भी कोई एप्लीकेशन ओडिस्टा वाली चल रही है उसको डिलीट मार देना है। सबसे पहले आपको उसको डिलीट करके इसको इंस्टॉल कर देना है, तभी आपका राउंड इंगेज काम करेगा, बाकी अदर राउंड इंगेज काम नहीं करेगा। तो चलिए गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस जाएंगे ओडिस्टा को हम कर लेंगे यहाँ से सिंपली से ओपन फिर। तो गाइस सबसे पहले आपको गाइस इसके थीम के आइकन टैप करना है, यहाँ पे गाइस आपको लिखा है ओडिस्टा सेटिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर आप टैप करोगे सिंपली से, अब गाइस आप आओगे एडवांस सेटिंग है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको एक सिस्टम ऑन करना है जिसका नाम है डेवलपर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे डेवलपर मैंने एक्टिव ऑलरेडी कर दिया, आप यहाँ से एक्टिव करके एक बार ओडिस्टा को बंद करके चालू कर देना, ठीक है गाइस। ये करने के बाद आपको सिंपली से थोड़ा सा बैग आना है एंड थीम एंड यूआई के अंदर चले जाना है। यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा है इमोजी टाइप, तो गाइस आपको मैंने फाइल्स के अंदर लिंक दिया है ये फाइल्स का, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ से, ठीक है, डन करोगे और यहाँ से डिप्लॉय टू फ्रंट के अंदर जाओगे एंड गाइस यहाँ सेलेक्ट करोगे और जो भी iOS 16 वाली जो इमोजी वो से यहाँ से यूज़ एंड डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से यूज़ एंड डाउनलोड करोगे, ऐड टू फंड के अंदर जाओगे, इसके अंदर गाइस आपको यहाँ से देखिएगा फ्रॉम टू लोकल के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप लोकल के अंदर चले जाओगे, वहाँ पे गाइस आपको मैंने डी वी फाइल आप देख सकते हो इस टाइप से, तो आप तो ये वाले आपने फाइल डाउनलोड की, इसके अंदर आपको ऊपर वाले में जाना है सेक्शन के अंदर, यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारी फाइल्स इसके अंदर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको एक एक करके इंस्टॉल। तो गाइस आपको इस टाइप से फाइल मिलेगी, तो आपको गाइस क्या करना, एक एक करके यहाँ से सेलेक्ट कर करके ऐड करना पड़ेगा सिंपली से, क्योंकि इसमें आप सबको एक साथ सेलेक्ट करके ऐड नहीं से, तो एक एक करके 12 फंड को आप ऐड कर देना, ठीक है। तो 12 फंड ऐड होने के बाद आपको गाइस क्या करना, इस टाइप से नाम आएगा तो रीस्टार्ट टोटली आपको कर देना एक बार, जिससे गाइस आपका सब काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बैक आना है थोड़ा सा, ठीक है। अब गाइस ये करने के बाद आपको गाइस दो सेटिंग और करने हैं, यहाँ पर गाइस वो मेकर दिख रहा है, उसके ऊपर आपको टैप रखना है 2 मिनट के लिए, और अब गाइस आपका यहाँ पे डेवलपर मोड है वो गाइस ऑन हो जाएगा। तो आपको क्यू एंड मॉडिफाई ऑप्शन में चले जाना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे गाइस आपको एक सर्च करना है, ठीक है, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी आप सर्च करोगे एंड आप 2 मिनट के लिए वेट करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे वाले एंड में जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं उनको ऑन करना है एंड थोड़ा सा स्क्रॉल कर स्टोरी वाले हैं तो इन दोनों को भी ऑन आपको यहाँ से कर लेना है, ठीक है। अब गाइस आपको थोड़ा सा बैक सर्च आना है फिर से एंड गाइस सर्च के अंदर जाना, सर्च के अंदर आपको लिखना, अब यहाँ पर लिखना है क्लिप्स ब्रांडिंग, ये नाम का आपको खास ध्यान रखना, ये नाम आपको ध्यान से लिखना है। आपको सारे ऑप्शन बंद होंगे, सारे ऑप्शन को आपको यहाँ से इनेबल कर देना है एंड गाइस ठीक, ये करने के बाद आपको गाइस ओडिस्टा को एक बार ऑफ करके वापस से ऑन कर देना है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसकी अगली सेटिंग। ये करने के बाद सही आपको रील्स के सेक्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ से गाइस जैसे कि मैं इस रील्स को ले लेता हूँ, इस रील्स को लेने के बाद गाइस मैं ऐड टू स्टोरी कर देता हूँ, तो ऐड टू स्टोरी हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो ये हमारी जो ऐड टू स्टोरी होगी और इसके आप देख सकते हो इसका जो टाइमर होगा एकदम से रियल काम करने लग गया है, तो इसको गाइस थोड़ा सा जैसे करके मैं थोड़ा सा गाइस छोटा कर दूंगा, इस टाइप से उसकी साइज रख लूँगा। अब गाइस यहाँ पे आपको गाइस एक PNG का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए गाइस आप यहाँ से क्या करो, सेलेक्ट टू सेक्शन के अंदर जाओगे, ठीक है। यहाँ से आप सिंपली से गाइस आपको मैं बहुत सारे PNG आपके भाई ने आपके लिए बना दिए, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी आपके भाई ने आपको लिंक दे दिया है। अब गाइस आपको यहाँ से क्या करना, सिंपली इस PNG को यहाँ से ले लेना है। अब गाइस बहुत सारे ज्ञानी लोग बोलेंगे जिसके नीचे से गाइस जो आ रहा है ऑडियो लोग उसको कैसे हटा दो, गाइस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इस रील्स को इस टाइप से करो, मैं आपको एग्जाम दिखाता हूँ, वैसा एग्जैक्ट आप करोगे तो वो आपका हट जाएगा। आपको गाइस क्या करना, रील्स को थोड़ा सा उसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है, जिससे आपका ऑडियो का कट हो जाए एंड रील्स भी आपके प्रॉपर से आ जाए। तो गाइस मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा आपको मेहनत करके लगाना ही पड़ेगा इस टाइप से, गाइस तो देखो गाइस मैं लगा रहा हूँ आपको देख रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो हमारा ऑडियो सेक्शन वाला वो रिमूव हो गया एंड गाइस यहाँ पे सारा हमारा काम करने लग गया है, ठीक है। तो अब गाइस देख सकते हो इस टाइप से आप बहुत सारे PNG लगा के, अब गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, गाइस आप अगर आपके ओडिस्टा में ये वाली ट्रिक यूज़ करोगे तो आपको क्लिप्स एंड ब्रांडिंग का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है आपको। गाइस इसके लिए गाइस मेरा ओडिस्टा प्रो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करके उसके अंदर आप सारी सेटिंग कर सकते हो। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तो चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहे, और भी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है।